हेलो गाइस, तुम वापस तो आ गया हूँ लिंक ईट लव डाई के सेकंड एपिसोड सर। तो गाइस, जो हमारा सेकंड एपिसोड है अब उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो माई नोदायोन है अब वो मतलब काफी ज्यादा टेंशन में आती है कि कहीं जो हमारे यून के यून भैया हैं वो उस रेफ्रिजरेटर को ओपन ना कर ले। और उसके बाद अब वो मतलब धीरे धीरे करके उनका जो रेस्टोरेंट होता है उसी के अंदर पहुंच जाती है। और उसके बाद वो मतलब जैसे ही ओपन करने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो हमारी नोदायोन होती है अब उन्हें रोक लेती है। मतलब यहाँ पर बहाने माने लगती है कि आपने आज लंच में क्या खाया था, डिनर में क्या खाया था। तो यहाँ पर जो माई उनके यून है वो समझ जाते कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये फालतू की बातें क्यों कर रही है। और उसके बाद अब मतलब रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ओपन करने पहुंच ही आते हैं, तभी यहाँ पर जो माई नोदायोन होती अब उनके पास कोई भी चाय नहीं बचता। और उसके बाद अब मतलब उन्हें रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल पास ले आती है और उनसे कह देती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ और इसी चक्कर में मैं ये सब चीजें कर रही हूँ। और भाई उसके बाद वो ये सब कह के वहां से चली जाती है। तो उसके बाद अब वो घर पर आके सोचती है कि मैंने क्या फालतू की बकवास कर दी। जो हमारे उनके यून भैया होते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं से लाइक करने लगा और ये मेरी सीटा लिख ली तो फिर क्या होगा। तो गाइस उसके बाद अब जो हमारा सीन होता है वो फिर से चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अब जो हमारी नोदायोन होती है और जो उनकी मॉम और ग्रैंड मदर होती है अब वो यहाँ पर प्लानिंग बनाती है। मतलब भाई तीनों की यहाँ पर तड़गम चलती है कि कैसे करके हमें वो रेफ्रिजरेटर उससे बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब रेस्टोरेंट से। और उसके बाद अब जो यहाँ पर ग्रैंड मदर होती है अब उनसे बिल्कुल भी नहीं आता और वो मतलब एकदम भागते हुए जाती है। मतलब तीनों लोग वहां पर भागते हुए जाते हैं और जो उनके रेस्टोरेंट की जो विंडो होती है उससे मतलब तोड़ देते हैं। पर जैसे वो तोड़ते हैं तो यहाँ पर जितने भी मोहल्ले वाले होते हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले होते हैं, सभी लोग जाग जाते हैं। और उसके बाद उन्हें फिर से वापस आना पड़ता है। तो भाई ये वाला प्लान तो फेल हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जब नोदायोन उठती है तो यहाँ पर वो देखती है कि उनकी बॉडी में मतलब चोट लगी होती है, क्योंकि जब वो मतलब उनसे छीना झपटी कर रही होती है, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो मतलब उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से वहां से फेंक देता है, जिसके कारण उनके शरीर में मतलब चोटें लग जाती है और वो यहाँ पर मतलब रोने भी लगती है। तो उसका असर हमारे किसके ऊपर होता है, हमारे यूनगेन भैया के ऊपर होता है और वो भी मतलब रोने लगते हैं। तो उसके बाद अब जो यहाँ पर हमारे यूनगेन होते हैं अब वो मतलब अपने रेस्टोरेंट में आके देखते हैं कि भाई वहाँ की हालत मतलब खराब होती है, जो विंडो होती है वो भी टूटी हुई होती है और जो गेट होता है वो भी मतलब अनलॉक होता है। तो उस वक्त अब वो समझ जाते हैं कि भाई मेरे रेस्टोरेंट के संग मतलब कुछ गलत होने वाला है। और उसके बाद अब वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगवा देते हैं जो कि भाई 24 घंटे रियल टाइम मतलब वीडियो दिखाएगा। तो यहाँ पर जो तीनों होती है ना, मतलब हमारी जो नोदायोन की पूरी फैमिली होती है अब मतलब काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उनके प्लान में सबसे बड़ी रुकावट अब ये सीसीटीवी कैमरा आ चुका है। तो उसके बाद यूनगेन अब मार्केट में पहुंच जाते हैं सामान खरीदने के लिए और वहाँ पर किससे मिलते हैं, हमारी नोदायोन की मदर से और जो उनकी ग्रैंड मदर होती है उनसे। तो यहाँ पर जो हमारी नोदायोन की मदर होती है उनसे कहती है कि आपको आज हमारे घर पे लंच के लिए आना होगा। तो पहले तो मना कर देते हैं पर जो उनका फ्रेंड होता है उनसे कहता है कि हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे यूनगेन होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो मान भी आते हैं। तो भाई उसके बाद अब यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और जो लंच होता है अब वो स्टार्ट हो जाता है। और भाई लंच को देख के ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा तैयारी हुई है। तो उसके बाद यूनगेन अब खाना स्टार्ट करते हैं, पर जो उनका भाई एक्सप्रेशन होते हैं उनको देख के समझ में आ जाता है कि उन्हें खाना इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, पर वो यहाँ पर कुछ नहीं कहते, अपने आप को संभाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर उनका प्लान नंबर 1 मतलब हमारे यूनगेन को ड्रिंक करवाना, ड्रिंक करें और टल्ली हो जाए और बेहोश हो जाए और हम अपना काम कर सके। और जो हमारे यूनगेन होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं भाई बिल्कुल ही शुद्ध आदमी हूँ। तो उसके बाद इनके जितने भी प्लान होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और मतलब लंच करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर होती है वो हमारी नोदायोन से पूछती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले पुलिस ऑफिस में देखा था और तुम मतलब वहाँ पर कुछ काम के लिए आई थी, तो तुम्हारा काम क्या था। और उसके बाद अब वो मतलब उनसे सवाल ही पूछना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो हमारी नोदायोन है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे कुछ काम है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनगेन भैया होते हैं अब वो मतलब कंडीशन को समझ जाते हैं, मतलब वहाँ के माहौल को समझ जाते हैं और वो कह देते हैं कि इसको मुझसे कुछ काम है। और उसके बाद अब मतलब उनके पीछे पीछे आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनगेन होते हैं अब उनसे साफ साफ कह देते हैं कि प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे संग क्या हुआ। और उसके बाद वो उनके हाथ की तरफ इशारा भी करते हैं क्योंकि वो उनके हाथ के जो जख्म होते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी नोदायोन होती है वो छुपाने की कोशिश करती है, पर जब हमारे यूनगेन भैया उन्हें टच करते हैं तो भाई उन्हें कुछ मतलब दिखाई देने लगता है, मतलब उनके संग क्या हुआ था। और उसके बाद अब मतलब उन्हें हॉस्पिटल में ले आते हैं और वहां पर उनका ट्रीटमेंट करा देते हैं। तो उसके बाद अब उनसे कहते हैं कि तुम्हारे संग जिसने भी ये सब किया है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, भले ही वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या फिर तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैंने उसके साथ छोड़ भी दिया है। और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अच्छी बात है तुमने छोड़ दिया और तुम्हें आगे कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हो। तो उसके बाद जो नोदायोन होती है अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनसे वास्तव में कोई गलती हो गई है। और उसके बाद अब वो कहां पहुंच जाती है, फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है।
पर वो मतलब किसी कारण चक्कर में फिर से लौट आती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब डिलीवरी वाले को बोला जाता है कि आपका कुछ डिलीवरी आई है। और उसके बाद जब वो मतलब डिलीवरी को रिसीव करती है तो उन्हें वही वाले गिफ्ट मिल जाते हैं जो उन्होंने फेंके होते हैं। तो भाई यहाँ पर उन्हें ये वाले गिफ्ट कौन वापस भेज देता है। तो उसके बाद अब जो गिफ्ट होते हैं वो उन्हें फिर से फेंक देती है। और यहाँ पर कुछ लोग अब मतलब कह रहे होते हैं मतलब पास की बिल्डिंग में ही मर्डर हो गया है। तो उसके बाद अब वहाँ पर जाके देखती है तो भाई जो एड्रेस होता है वो वही वाला एड्रेस होता है जहाँ पर वो लड़का रहता है। और यहाँ पर उनका जो हाथ होता है मतलब उसी बॉडी से टच हो जाता है। तो भाई जब उनका हाथ टच होता है तो मतलब उनकी जो फीलिंग होती है पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है। मतलब अब वो काफी सैड हो जाती है। और जब सैड होती है तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन होते हैं वो भी सैड हो जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारी नोदायन है वो कोई परेशानी में। और उसके बाद अब उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे करके अब उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना, कोई इंजरी तो नहीं है। मतलब उनकी टेंशन करने लगते हैं यहाँ पर, और शायद मैं कहूँ तो उनकी केयर भी करने लगते हैं। तो उसके बाद जो नोदायन होती है अब अपने घर पर आ जाती है। और जब वो घर पर आती है तो यहाँ पर वो लेटर देखती है जो कि उनकी मॉम ने लिखा हुआ होता। और उसमें वो लिख देती है कि मैं अपने आप को मतलब टर्न इन करने जा रही हूँ पुलिस वालों के सामने, और तुम्हारा जो भी पूरा इल्जाम था मैं अपने सर पर ले लूंगी। तो वो यहाँ पर काफी सैड हो जाती है। और उसके बाद अब वो मतलब सीधा पुलिस स्टेशन की ओर भाग जाती है। पर यहाँ पर जो उनकी मॉम होती है जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है तो वो यहाँ पर किसको देखती है, मतलब अपनी ही मॉम को देखती है। और उसके बाद यहाँ पर वो अच्छा सा एक ड्रामा करती है। और तीनों लोग बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग कर क्या रहे थे। मतलब यहाँ पर एक दूसरे को डांटना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद नोदायन कहती है कि टेंशन मत लो, अब जो भी काम होगा मैं करूंगी, और पासवर्ड की बात आई तो मैं लिखा लूंगी। और उसके बाद अब वो नेक्स्ट डे काम पर पहुंच जाती है हमारी यूनियन भैया के पास, और मतलब उनके पास रहने के कुछ बहाने बनाने लगती है। तो उसके बाद अब उनसे कहती है कि आप मुझे अपनी जो बर्थ डेट है उसे बता सकते हो। पर जो हमारे यूनियन होते हैं वो भी उनके सामने शर्त रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे संग रॉक पेपर शेयर खेलना होगा। और उसके बाद अब ये दोनों लोग मतलब जो रॉक पेपर सीजर होता है उसे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर ये दोनों मतलब सेम चीजें बनाते हैं। मैं इतना रॉक पेपर सीजर के बारे में नहीं जानता, पर देखने से ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता है इन दोनों का। तो उसके बाद भाई नोदायन उसी रात को मतलब वहां पर आती है उसी रेस्टोरेंट में, और जो उनके बर्थडे वाला पासवर्ड होता है उसके अंदर डाल लेती है। और जब वो मतलब उसी रेफ्रिजरेटर के पास जाती है और उसे ओपन करती है तो भाई उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कुछ दिखता है या फिर नहीं दिखता। पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो किसको देखती है, हमारे यूनियन को देख लेती है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन होते हैं क्या उन्हें पहले से पता होता है कि उस रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या, और वो यहाँ पर क्यों शांत थे। तो गाइस इसके बारे में तो मैं तीसरे एपिसोड में पता चलेगा।